सू अ साइड बहुत चर्चा में है आजकल। आज ही कहते हैं कि एक भारत के बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु ने, जो खासकर बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं के स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने सू अ साइड कर ली। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल शेफ ने सू साइड कर ली। ये खबरें आपको मीडिया में सेंसेशनलाइज करके तो जरूर मिलती हैं, लेकिन मुझे ये क्यों ये नहीं समझ में आता कि क्यों उन्हीं मीडिया के एंकर्स आपको इंस्पायर नहीं करते कि नहीं, सुसाइड इज नॉट द वे फॉरवर्ड, यू हैव टू फाइट, यू आर नॉट अलोन। सिर्फ आप नहीं हैं दुनिया में जिनको कोई पीड़ा है या दुख है, और लोग भी हैं, और आप हार नहीं मान सकते इस तरह। जिंदगी एक गिफ्ट है, जिंदगी एक तोहफा है, जिंदगी एक ब्लेसिंग है, और आप इस रास्ते पे जाने की सोच भी नहीं सकते, पर ये बड़े बड़े मीडिया चैनल्स कभी नहीं बताते हैं। जैनेट जी, आप साइकोलॉजी के काउंसलर हो, जी क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार हैं? लेट्स लिसन टू जैनेट मैडम। देखो, जो लोग सुसाइड के अंत तक जाते हैं आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ बर्डन, जो शायद दे नॉट एबल टू स्पीक टू समबडी अबाउट इट, दे नॉट एबल टू अनबर्डन इट, लेट इट आउट. मतलब एक स्ट्रेस है जो अपने कंधों पे आदमी या औरत लेता रहता है, लेता रहता है, और उसकी चर्चा नहीं कर पाता है किसी से। जी सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन यू थिंक यस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर सू साइड। एंड इट्स नॉट लाइक दिस पीपल आर नॉट सराउंडेड बाई फ्रेंड्स एंड फैमिली और पीपल दे कैन एक्चुअली टॉक टू. दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू जी एनीवन, और नोबडी मेक्स देम कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट देयर देर लाइव्स। इज अनदर गो थॉट ऑन। टू इट. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बहुत ही मतलब जोवियल हैं, खुशहाल हैं, वो वाकई में खुश हैं। वाकई में खुश हैं, एंड ऑल्सो पीपल हु आर दे कंसिडर स्ट्रांग. कोई लोग होते हैं दैट वी लुक एट देम सिंग, अरे यार इसकी जिंदगी बड़ी इस अच्छी है। अच्छी नहीं है. मतलब स्ट्रांग पर्सनैलिटी, कि जो कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ मच द पर्सन इज गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, दिस पर्सन इज स्टिल स्ट्रांग. बट ये आपका व्यू है, जो उस इंसान के अंदर जो हो रहा है दैट नोबडी नोज, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो इट इज गुड समटाइम्स जस्ट टू आस्क अ पर्सन, आप कैसे हो, सब कुछ ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. इंटर ह्यूमन इंटरैक्शन, रादर इंट्रा ह्यूमन सो इंटरैक्शन। देयर इज दिस थिंग ऑफ ऑल्सो सेइंग ना, कि जब आप काउंसलिंग प्रोफेशन में भी जाते हो, दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग पीपल. काउंसलर वो होता है जो दूसरों की बातें सुनता है या सजेशंस करते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हो, या एक प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में है कैसे सुधार सकते हो. तो द पर्सन हु इज टॉकिंग टू द काउंसलर लुक अप्स टू द काउंसलर. नाउ इमेजिन दिस, कि एक काउंसलर होने के नाते आप इतने सारे लोगों से बात करते रहते हो, उनकी बात सुनते रहते हो, सो इन अ वे उनकी नेगेटिविटी भी जो है, इट अफेक्ट्स यू, इट इफेक्ट्स द काउंसलर इट एज वेल। अफेक्ट्स द यस, काउंसलर. प्लस द काउंसलर हैज देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ, दे मस्ट बी ऑल्सो गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, स्ट्रेस ऑफ देयर ओन, राइट? राइट। सो इट इज, बट देन दैट्स व्हाट मेक्स काउंसलर्स सो वेरी 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 स्ट्रांग। यस, बट देन द माइंड कैन नॉट बी बर्डन्ड विद सो मच नेगेटिविटी ऑल्सो. राइट। सो सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट द गुड काउंट थिंग्स द इन योर ब्लेसिंग्स, लाइफ। एब्सोल्यूटली. टॉक टू समबडी अबाउट इट, डू लेट गो. वी हैव कॉन्शियसली चोजन टू टॉक अबाउट सू साइड so that we can inspire people, not just sensationalize it. It's important, people are going through stress. इसकी चर्चा करनी जरूरी है, पर चर्चा के दौरान आप किसी एक इंसान की सुसाइड को सेंसेशनलाइज ना करके टाइम स्पेंड करें। मीडिया शुड बी स्पेंडिंग टाइम ऑन what to do, I mean inspire people. How to eliminate these thoughts of depression, loneliness, and आयरनी ये है कि इतना सारा इंटरेक्शन, इंटरैक्टिव फ्रॉम सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव, या यू नो दे से द वर्ल्ड इज बिकम अ स्मॉलर प्लेस, ट्रू, एंड स्टिल पीपल आर फाइंडिंग देमसेल्व्स लोनली.
बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन मेरे हिसाब से बहुत कम हो गया है. पीपल आर मूविंग काम के लिए घर छोड़ के बाहर जाते हैं. पीपल आर मूविंग फॉर वेरियस रीजन. कान में भोपू लगे रहते हैं म्यूजिक के इसके उसके. फिर दफ्तर गए दफ्तर में फिर मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन द फोन ऑल द फोन ऑल द टाइम. इंटरेक्शन तो होती नहीं है right. आगे पीछे. सो दीज आर सम सॉल्यूशंस दैट मीडिया शुड कीप टॉकिंग अबाउट रादर देन सेंसेशनलाइजिंग की हो इस गुरु ने सुसाइड किया उस शेफ ने सुसाइड किया एक्सेट्रा. आई थिंक दर्शकों ये जो हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आम प्रेस टीवी पर चला रहे हैं आई थिंक जैनेट मैडम आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अ फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन सुसाइड एंड यू नो द वेज टू ओवरकम और नॉट रीच दैट ब्रेकिंग पॉइंट. आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन एंड दैट वे आई थिंक दैट आम प्रेस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समथिंग पॉजिटिव इन द सोसाइटी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गो टॉक टू योर फ्रेंड. It may not be you, it may be somebody around you who's going through stress. Go talk to him. Yaar, kaisa hai yaar tu? Sab theek to hai teri zindagi mein? Tu itna pareshan hai kuch dinon se, baat kyun nahi karta? Is tarah ki charchaein karein jaake apne doston ke saath, apne family members ke saath. Dhanyawad.